हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू लेक्चर ऑफ योर फेवरेट चैनल कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। सो आज हम बात करने वाले हैं KVPY 2019 का SBSS स्ट्रीम का पेपर। इसके अंदर हम बात करेंगे पार्ट टू की, यानी 91 से जो 100 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स के, उसके बारे में। अब यह पर्टिकुलर लेक्चर ऑफकोर्स KVPY एस्पिरेंट्स के लिए तो बेनिफिशियल है ही सही, साथ ही साथ में अगर आप जेई मेंस जेई एडवांस दे रहे हैं तो उनके लिए भी लेक्चर उतना ही बेनिफिशियल है। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके जेई मेंस एडवांस लेवल के आसपास के ही आते हैं। यूं कहूं मैं, जेई एडवांस से थोड़ा सा नीचे आते हैं, जेई मेंस से थोड़ा ऊपर आते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन है, A metal rod of cross sectional area 10 to the power minus of 4 meter square is hanging in a chamber kept at 20 degrees Celsius with a weight attached to its free end. Okay. The coefficient of thermal expansion of the rod is 2.5 into 10 to the power minus of 6 per Kelvin and its Young's modulus is 4 into 10 to the power 12 Newton per meter square. When the temperature of the chamber is lower to T, then a weight of 5000 Newton needs to be attached to the rod so that its length is unchanged. Okay. So, मुझसे क्या बोला जा रहा है? सबसे पहले तो मुझे क्या कहा गया? मुझे कहा गया कि भाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 10 टू द पावर माइनस ऑफ 4 मीटर स्क्वायर। करंट टेम्परेचर मुझे दे दिया गया विच इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस। फिर मुझे बोला गया कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो कि है 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 6 पर केल्विन। मुझे यंग्स मॉडुलस भी पकड़ा दिया गया जो कि है 4 इंटू 10 टू द पावर 12 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और टेम्परेचर लो किया गया, यानी अगर मैं इसको टी नॉट बोल दूं तो यहां पर जो टेम्परेचर है विच इज इट इज लेस देन टी नॉट। और कहा गया कि वेट लगाया गया जो कि 5000 था टेम्परेचर लो करने के बाद, ताकि एक्सटेंशन उतना का उतना ही रहे। तो क्या मैं कह सकता हूं कि भाई यहां पर मैं कहूंगा कि सिग्मा अपॉन यानी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस। तो कैन आई से स्ट्रेन इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई, और सिग्मा क्या होता है? सिग्मा होता है वेट अपॉन एरिया ऑफ द रॉड अपॉन यंग्स मॉडुलस, करेक्ट। क्या मैं लिख सकता हूं, स्ट्रेन को चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन ए वाई, यस नो? अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो फिर शायद काफी हद तक चीजें खत्म हो चुकी है। कारण क्या है, अब सिर्फ मैथमेटिक्स लगानी है। तो क्या डेल्टा एल अपॉन एल होता है मेरे पास अल्फा इंटू डेल्टा टी, और डब्ल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है विच इज 5000 अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ऑल्सो गिवन टू अस 10 टू द पावर माइनस ऑफ 4, यंग्स मॉडुलस इज ऑल्सो गिवन टू अस विच इज 4 इंटू 10 टू द पावर 12, और अल्फा की वैल्यू इज ऑल्सो गिवन टू अस विच इज 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 6। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो डेल्टा टी की वैल्यू आती है 5, और डेल्टा टी है क्या बेसिकली? डेल्टा टी है 20 माइनस ऑफ टी इज इक्वल टू 5, विच वुड गिव मी कि टेम्परेचर की वैल्यू आ जाती है मेरे पास 15 डिग्री सेल्सियस, और यह मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। लुकिंग एट द ऑप्शंस, ए सही हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा एंड डी गलत हो जाएगा। हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अ शॉर्ट सोलेनोइड जिसकी लेंथ एल है, रेडियस आर है, n टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, लाइज वेल इनसाइड एंड ऑन द एक्सिस ऑफ अ वेरी लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनोइड, और जिसका लेंथ एल दे दिया, रेडियस आर दे दिया, नंबर ऑफ टर्न्स एन दे दिए, और कैपिटल आर का रेडियस जो है वो ग्रेटर देन स्मॉल आर है। करंट आई फ्लोस इन द शॉर्ट सॉलोनॉइड, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है भाई, तो सबसे पहले तो हम कह लेते हैं कि भाई ये जो बड़ा वाला सॉलोनॉइड है ये कुछ ऐसा होगा, है ना, मान लेते हैं हम लोग ये कुछ सॉलोनॉइड बड़ा वाला कुछ इस तरीके का होना चाहिए। अब हमने कहा जो शॉर्ट सॉलोनॉइड की इस क्वेश्चन में बात करी जा रही है वो सपोज यहां पे कहीं है, वो सपोज यहां पे कहीं है। इस सॉलोनॉइड के बारे में जो इंफॉर्मेशन हमें दी गई है वो दी गई है स्मॉल आर एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और जो बड़े वाले सोलेनोइड के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है वो है एल आर एंड एन। क्या हमें ये पता है? हाँ, तो अब इसके अंदर क्या हम कहेंगे कि जो फ्लक्स, अगर मैं करंट बड़े वाले में चलाऊं, सपोज आईएल करंट चलाता हूं, तो क्या मैं कह सकता हूं इनसाइड से जो फ्लक्स जाएगा दैट वुड बी इक्वल टू, फ्लक्स इज इक्वल टू छोटे वाले नंबर, छोटे वाले कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स विच इज एन इंटू एल इंटू बड़े वाले के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है इंटू इंटू क्या लिखूंगा भाई, बी इंटू एरिया, एरिया किसका, छोटे वाले हिस्से का, सो पाई इंटू आर स्क्वायर, करेक्ट। सो कैन आई राइट डाउन दिस एज एन इंटू एल इंटू म्यू नॉट इंटू कैपिटल एन इंटू आई एल इंटू पाई आर स्क्वायर। अब ये तो क्या आ गया, ये तो आ गया मेरे पास फ्लक्स। फ्लक्स को क्या लिख सकता हूं, एम इंटू आई ऑफ एल इज इक्वल टू एन, या इसको उल्टा लिख देना चाहिए, सो पाई इंटू म्यू नॉट
into R square into N into capital N into L into IL. So IL IL काट देंगे यहाँ से, तो क्या मेरे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा pi into mu naught into R square into N N L. देख लीजिए. So looking at the options, there is uniform magnetic field mu naught Ni in the long solenoid. ये गलत हो जाएगा. क्यों ऐसा हो जाएगा? क्योंकि जैसे ही इसके एंड से बाहर निकलूंगा, एट द एंड कितनी होती है, म्यू नॉट एन आई बाई टू होती है. तो पूरे उसमें कॉन्स्टेंट यूनिफॉर्म नहीं रहेगी, इसलिए पहला ऑप्शन गलत. म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड इज म्यू नॉट म्यू पाई म्यू नॉट आर स्क्वायर एन एन एल, बिल्कुल सही बात है. फ्लक्स टू आउटर सोलेनोइड ड्यू टू करंट इन द इनर सोलेनोइड प्रोपोर्शनल टू, नहीं ये गलत हो जाएगा. म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड इज दिस मच, नो ये गलत हो जाएगा. हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. चलिए आगे बढ़ते हैं. कंसिडर द वॉल ऑफ अ डैम टू बी स्ट्रेट विद हाइट एच एंड लेंथ एल. It holds a lake of water at a height of h, which is less than capital H, on one side. Let the density of the water be rho w. Denote the torque about the axis along the bottom length of the wall by tau 1. Denote also a similar torque with the water up to a height of h by 2 and wall height l by 2 by tau 2. तो सबसे पहला काम क्या होगा, यहाँ पे डायग्राम बनाने का काम होगा. हो क्या रहा है, दीवार है, दीवार के एक तरफ पानी भरा हुआ है, ठीक है ना. तो हम इसी को कोशिश करते हैं ड्रॉ करने की. तो हमें समझ में आया कि जब हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो ये कुछ ऐसा हिस्सा बन रहा है. बताइए भाई क्या ये कुछ ऐसा हिस्सा बन रहा है जहां पे जो पानी वाला हिस्सा है, जो पानी वाला हिस्सा है मैं कहता हूं वो इतना भरा हुआ है. और ये हाइट कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, ये हाइट दे रखी क्वेश्चन में एच, करेक्ट. और क्या दे रखा है, और दे रखा है ये लेंथ एल. तो क्या अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट मेरे को टॉर्क निकालना है, करेक्ट करेक्ट, अगर मुझे इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालना है, सो कैन आई राइट डाउन कि टॉर्क जो होगा वो, तो टॉर्क कैसा होगा इसके अंदर, तो मैं लिख सकता हूं इसके अंदर टॉर्क की वैल्यू टाउ वन की वैल्यू, करेक्ट. किसकी वैल्यू, टाउ वन की वैल्यू इज इक्वल टू जो भी फोर्स लग रहा होगा किसी भी हाइट पे, सपोज इस हाइट पे, इन टू इस पतली सी स्ट्रिप का एरिया, या यूं कहें इस पतली सी स्ट्रिप पे जो फोर्स लग रहा है उसको लिख देते हैं df, करेक्ट. इनटू कितनी डिस्टेंस, अगर मैं इसको y मान लेता हूं तो डिस्टेंस वुड बी h माइनस ऑफ y, करेक्ट. अभी df क्या है और इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और ये df क्या है, प्रेशर इनटू एरिया. सो कैन आई राइट डाउन दिस एज रो इनटू g इनटू y. ये तो हो गया प्रेशर, और एरिया कितना हो जाएगा भाई, l into dy और h minus of y. इसको कहां से कहां तक इंटीग्रेट करूंगा मैं, इसको करूंगा इंटीग्रेट फ्रॉम जीरो टू स्मॉल h, करेक्ट. चलिए सॉल्व करते हैं. सो रो g l into hy minus y square dy इंटीग्रेटिंग इट फ्रॉम जीरो टू h. इसको इफ आई ट्राई टू सॉल्व आई वुड गेट दिस एज रो g l into y square by 2, correct. So यहां पे आ जाएगा h cube by 2 minus h cube by 3. On solving this, कितनी value आ रही है हमारे पास, क्या हमारे पास ये आ गई rho g l h cube by 6. क्या इतना समझ में आया, अगर आ गया तो now let us talk about tau 2. तो tau 2 में क्या होगा, सब कुछ सेम होगा, लिमिट्स में अंतर आ जाएगा, लेकिन चलिए हम पूरा प्रोसेस फिर से करेंगे. तो हम कहेंगे df इनटू इस बार पानी कितना भरा है, एच बाय टू ही भरा है, तो हम लिखेंगे यहां पे रो जी इंटू वाई इंटू एल बाय टू, इस बार लेंथ भी एल बाय टू है, इंटू डी वाई इंटू एच बाय टू माइनस ऑफ वाई. लिमिट्स कहां से कहां तक, जीरो से एच बाय टू तक. इसको सॉल्व करते हैं तो व्हाट डू वी गेट, रो जी एल बाय टू इंटू h y by 2 minus of y square, लेकिन इसको यहां पे इंटीग्रेशन की वैल्यू भी लगेगी dy, कहां से कहां तक, 0 से h by 2 तक. नाउ ऑन सॉल्विंग दिस व्हाट डू वी गेट, रो g l into लिमिट्स लगा दें हम यहां पे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा y square by 2, करेक्ट. सो ये हो जाएगा मेरे पास h, एक काम करते हैं हम लोग 16 तो यहाँ पे ऑलरेडी डाल देते हैं हम लोग. एंड व्हाट डू वी गेट ओवर हियर एच क्यूब बाय 2 माइनस एच क्यूब बाय 3, करेक्ट. क्या यहां तक एकदम क्लियर है,
अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं, इफ आई ट्राई टू सॉल्व दिस वैल्यू, व्हाट डू आई गेट? मुझसे क्वेश्चन ने पूछा था टाउ वन बाय टाउ टू, तो ये अगर सॉल्व करता हूं तो मेरे पास आती है वैल्यू 16 और यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा. ओके, लुकिंग एट द ऑप्शंस, ए गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं. टू कंटेनर्स, ओके, टू कंटेनर्स C1 एंड C2 जिनकी वॉल्यूम्स गिवन है V एंड 4V होल्ड द सेम आइडियल गैस एंड आर कनेक्टेड बाय अ थिन हॉरिजॉन्टल ट्यूब ऑफ नेग्लिजिबल वॉल्यूम विद अ वाल्व व्हिच इज इनिशियली क्लोज्ड. द इनिशियल प्रेशर ऑफ द गैस इज C1 and C2 and P and 5P respectively. Heat baths are employed to maintain the temperatures in the containers at 300 Kelvin and 400 Kelvin respectively. The valve is now open. Select the correct statement. ठीक है भाई, तो इस बार हमें क्या कहा गया कि भाई एक वाल्व है जिसका वॉल्यूम है V और एक बड़ा वाला वाल्व है जिसका वॉल्यूम कितना है, जिसका वॉल्यूम हमें दे रखा है 4V, करेक्ट? सो 4V और V. इसके अंदर प्रेशर्स भी दे रखे हैं, कितने कितने दे रखे हैं भाई, एक तो रखा है P और एक दे रखा है 5 times P. ये है C1 और ये है C2. इन दोनों को हम लोगों ने जोड़ रखा है किससे, एक पतली सी ट्यूब से, और इसमें लगा रखा है हमने एक वाल्व जो कि अभी के लिए बंद है. तो अगर ये वाल्व अभी के लिए बंद है तो क्या मैं कह सकता हूं N1 यानी फर्स्ट कंटेनर में कितने नंबर ऑफ मोल से वो निकाल सकता हूं, सेकंड कंटेनर में कितने नंबर ऑफ मोल से वो निकाल सकता हूं, करेक्ट? और अगर मैं इसके वाल्व को खोल दूंगा तो क्या मैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकता हूं और इनिशियल जो N1 प्लस N2 निकालता हूं उससे कंपेयर करके कुछ रिलेशन निकाल सकता हूं, करेक्ट? तो चलिए हम वही काम करने वाले अभी. सो मैं कहता हूं कि यहां पे जो फर्स्ट C1 कंटेनर के अंदर मोल्स है वो है N1, दैट इज इक्वल टू PV अपॉन RT, जहां पे T की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 300 इंटू R. सिमिलरली द वैल्यू ऑफ N2 इज कितनी हो जाएगी भाई, 5P इंटू 4V अपॉन 400 R, विच इज इक्वल टू 20 times PV अपॉन 400 R. अच्छा एक चीज और निकालता हूं यहां पे, मैं कहता हूं कि N2 अपॉन N1 का रेशियो कितना है आपका. अगर मैं N2 अपॉन N1 का रेशियो निकालूं तो दिस इज कमिंग आउट टू बी इतना है क्या, देखो तो भाई. सो व्हाट डू आई गेट, आई गेट 20/4 × 3, करेक्ट? सो यहां पे आ गया मेरे पास 15 हैंड का रेशियो. चलिए अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं वाल्व खोलने वाला हूं. वाल्व खोलने के बाद क्या होगा, गैस फ्रॉम कंटेनर 1 से 2 में भी जा सकती है और 2 से 1 में जा सकती है, डिपेंडिंग ऑन प्रेशर किसके पास ज्यादा है. और बेस्ड ऑन कॉमन सेंस आई कैन से प्रेशर C2 का ज्यादा है, इसलिए गैस C2 से C1 में जाएगी, ठीक है, बेस्ड ऑन कॉमन सेंस. चलिए सो मैं क्या करता हूँ, एक बार फिर इसको डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे. तो आई हैव दिस C1 कंटेनर और आई हैव दिस C2 कंटेनर, करेक्ट? मुझे पता है इसकी वॉल्यूम है V और इसकी वॉल्यूम कितनी थी मेरे पास 4V, तो यहाँ पे V एंड 4V. इसका प्रेशर जब मैंने वाल्व खोल दिया होगा तब इसका प्रेशर कुछ पी डैश हो गया होगा और मान लेते हैं इसका प्रेशर भी पी डैश हो गया होगा, तो क्या मैं कह सकता हूं एन टोटल इज इक्वल टू 1 वाले में जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं और 2 वाले में जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं. सो कैन आई राइट डाउन दिस एज, यू कहूंगा इसको सिंपल भाषा में लिखते हैं, हम कहते हैं कि इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स है N1 प्लस N2 और ये बराबर होंगे बाद वाले नंबर ऑफ मोल्स N1 डैश प्लस N2 डैश के. तो अगर हम पहले वाले की बात करें तो हम लिखा है PV अपॉन 300 R, so PV अपॉन 300 R प्लस 20 PV अपॉन 400 R इज इक्वल टू N1 डैश, ये क्या लिखेंगे भाई, हम ये लिखेंगे P-V अपॉन 300 R. टेम्परेचर क्यों चेंज नहीं हुआ, क्योंकि हीट बाथ में डुबो रखा है उसको, प्लस P-V इनटू 4V अपॉन 400 R, ठीक है? कि यहां से कुछ कॉमन चीजें कट सकती है क्या, देखिए तो भाई क्या यहां से V R 00 00 V R 00 00 सब कट गया. सो व्हाट डू आई गेट या व्हाट इज लेफ्ट विथ मी, मेरे पास जो बचा है वो बचा है P इंटू 1/3 प्लस 5 इज इक्वल टू P-V इंटू 1/3 प्लस 1, करेक्ट? सो कैन आई राइट डाउन फ्रॉम हियर P-V की वैल्यू हो जाएगी P टाइम्स, ये कितना हो जाएगा भाई, 5 × 15 16/3 होल अपॉन ये हो जाएगा 4/3. ऑन सॉल्विंग दिस आई गेट दिस एज 4P, यानी जो फाइनल प्रेशर होगा दोनों ही कंटेनर्स में वो इक्वल होगा और वो बराबर होगा 4P के, ठीक है?
चलिए अब एक और काम करते हैं हम लोग, एन टू डैश अपॉन एन वन डैश निकालते हैं, तो वो कितना होगा, ये होगा पी डैश इंटू फोर वी अपॉन 400 R होल अपॉन पी डैश इंटू वी अपॉन 300 R. अब यहां से पी डैश वी 00 R कट जाएगा. व्हाट डू आई गेट, आई गेट दिस इज 3. तो मुझे ये समझ में आ गया, पहले ये रेशियो था 15, अब हो गया 3. इसका मतलब मैंने मैथमेटिकली भी प्रूफ करके बता दिया कि नंबर ऑफ मोल्स जो गैसेस हैं वो कंटेनर 2 से कंटेनर 1 में जा रहे हैं, करेक्ट. चलिए भी तो अब ऑप्शंस पढ़ लेते हैं. द गैस विल फ्लो फ्रॉम द हॉट कंटेनर टू द कोल्ड वन एंड द प्रोसेस इज रिवर्सिबल. रिवर्सिबल नहीं है प्रोसेस, इररिवर्सिबल प्रोसेस. द गैस विल फ्लो फ्रॉम वन कंटेनर टू द अदर टिल द नंबर ऑफ मोल्स इन टू कंटेनर आर इक्वल. नहीं, नंबर ऑफ मोल्स की नहीं, यहां पे प्रेशर की बात होनी चाहिए थी. A long time after the valve is opened, the pressure in both the containers will be 3p. नहीं, ये तो एक्चुअल में 4p आया था. A long time after that valve is opened, number of moles of gas in the hot container will be thrice that of the cold one. क्या ये सही है? देख लीजिए भाई, 3 गुना हो गया. Hence, this is correct. The final answer for this particular question is option D. चलिए आगे बढ़ते हैं. So हमारे पास अगला क्वेश्चन है. 4 electrons, each of mass me, are in a one-dimensional box of size L. Assume that the electrons are interacting, okay? और क्या बोला गया हमें, और obey the Pauli exclusion principle and are described by standing de Broglie waves confined within the box. Define alpha की value हमें कुछ दे रखी है. U naught is in the ground, is the ground state energy. तो क्या मैं कह सकता हूँ कि भाई एक box में defined है, तो box की length कितनी है, L. और according to Bohr or de Broglie waves and Pauli exclusion principle, can I add on this as n into lambda by 2, where lambda is equal to 2L by N, correct. क्या मुझे पता है मोमेंटम जो होता है वो होता है H by lambda, where lambda is 2L by N, तो ये कितना हो जाएगा, NH upon 2L. क्या ही समझ में आया? अब मैं कहता हूँ जो एनर्जी होगी that would be in the form of kinetic energy, which is half of mv square, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ p square upon 2m. p की वैल्यू मुझे पता है, तो क्या लिखूंगा, n square h square upon 8ml square. क्या ये क्लियर है? यहाँ पे h square upon 8ml square क्वेश्चन में गिवन है अल्फा के बराबर, यानी क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, n square into अल्फा. यानी ये बेसिकली जो एनर्जी है, अगर ग्राउंड स्टेट की बात करता हूं तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, which is equal to अल्फा. अगर मैं एनर्जी को n is equal to first excited state की बात करता हूं, यानी n is equal to 2 पे, तो ये हो जाएगी 4 अल्फा. अगर मैं n is equal to 3 यानी second excited state की बात करता हूं, तो ये हो जाएगी 9 अल्फा, which can be written as u naught plus 8 अल्फा, which can be written as u naught plus 3 alpha. Similarly, n is equal to 4 के लिए लिख सकता हूं, n is equal to 5 के लिए लिख सकता हूं. अब मैं ऑप्शन की बात करता हूं. The energy of the highest occupied state. अब हमें नहीं पता highest occupied ये है कि 5 वाली है कि 6 वाली है. So we cannot say कि यही final answer होना चाहिए मेरा. ठीक है. इसके बाद अगला है u naught is equal to 30 alpha. 30 alpha कभी हो ही नहीं सकता, गलत हो जाएगा. The total energy of the first excited state is u naught plus 9 alpha. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी n इज इक्वल टू 2 कितनी आ रही है भाई, 4 अल्फा आ रही है, या u नॉट प्लस 3 अल्फा आ रही है, यानी ये भी गलत हो जाएगा. द टोटल एनर्जी ऑफ द सेकंड एक्साइटेड स्टेट यानी n इज इक्वल टू 2 इज u नॉट प्लस 8 अल्फा. यस, दिस इज करेक्ट, यानी ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे. हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. चलिए आगे बढ़ते हैं. अ रोप ऑफ लेंथ l एंड यूनिफॉर्म लीनियर डेंसिटी इज हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग. ओके भाई, तो हमने क्या किया, ये बना दी हमने सीलिंग, इस सीलिंग के ऊपर हमने एक रस्सी बांध दी. अ ट्रांसवर्स वेव प्लस वेव पल्स जनरेटेड क्लोज टू द फ्री एंड ऑफ द रोप ट्रैवल्स अपवर्ड्स थ्रू द रोप. सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. ओके, सो हमने कहा कि भाई यहां पे एक रोप, मैंने मोटी सी रोप बना दी, ठीक है ना, और कहा कि इसके अंदर से मैंने एक वेव जनरेट करी और ये ऊपर जा रही है, और ये ऊपर जा रही है, तो क्या होगा. सबसे पहली चीज जो हमें पता है वो पता है वेलोसिटी ऑफ द पल्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी बाय न्यू. और क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि यूनिफॉर्म लीनियर डेंसिटी है, तो कैन आई राइट डाउन फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टी. और बेस्ड ऑन द कॉमन सेंस मैं कह सकता हूं कि जैसे जैसे मैं ऊपर बढ़ूंगा टेंशन जो होगा वो रोप के अंदर बढ़ेगा, यानी कि जैसे जैसे पल्स ऊपर बढ़ेगी, मैं इसको लिख देता हूं यहां पे, एज पल्स मूव्स अप वेलोसिटी इंक्रीजेस. क्या ये अंडरस्टूड है? अगर ये अंडरस्टूड है तो ऑप्शन ए कहता है द स्पीड ऑफ द पल्स डिक्रीजेस एज इट मूव्स अप, गलत हो जाएगा. द टाइम टेकन बाय द पल्स टू ट्रैवल द लेंथ ऑफ द रोप इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल. यहां पे शायद मिसिंग हो गया, ठीक है, इट इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल. टाइम की बात कर रहे हैं इस बार.
है ना। सो क्या मैं कह सकता हूँ कि इस इन पर्टिकुलर केसेस में जब मैं टाइम की बात करता हूँ तो मुझे सबसे पहले एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, वो आता है एक कॉन्स्टेंट वैल्यू जी बाय टू। अभी कैसे आती है ये थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, कैसे निकालेंगे हम सोचिए। क्या मैं कह सकता हूं कि एक्सेलरेशन होता है वी डीवी अपॉन डीएक्स, कहीं समझ में आया। टेंशन किसी भी दूरी एक्स पे होगी, कितनी होगी भाई, टेंशन इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ इनटू एक्स जी, यानी लैम्डा इनटू एक्स जी, करेक्ट। तो यहां पे इसको अगर आप रखेंगे तो वी की वैल्यू आती है अंडर रूट ऑफ मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना, इसको मैं म्यू लिख रहा हूं, ये हो जाएगी एक्स जी। और इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है 1/2 अंडर रूट एक्स अंडर रूट जी, विच कम्स आउट टू बी जी बाय टू, ठीक है ना। यहां से आता है मेरे पास एक्सेलरेशन जी बाय टू। तो मुझे पता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करनी है एल, वेलोसिटी इनिशियली कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो शुरुआत के अंदर कितनी हो जाएगी, हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर इंप्लाइज टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एल। देख लीजिए भाई, ये ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। द टेंशन विल बी कॉन्स्टेंट अलोंग द लेंथ ऑफ, नहीं टेंशन तो बदल रही है, द अभी यहां से निकाला हमने, है ना, तो टेंशन तो बदल रही है, देख लीजिए गलत हो जाएगा। द स्पीड ऑफ द पल्स विल बी कांस्टेंट अलोंग द लेंथ ऑफ, ये भी अभी हमने निकाला, क्यों, स्पीड जब ऊपर जा रही है पल्स तो बढ़ रही है, हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अ सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल विद इंडक्टेंस L and an uncharged capacitor of capacitance C. The coil is in constant uniform magnetic field such that the flux through the coil is phi. At time t equal to 0, the magnetic field is abruptly switched off. Okay, एकदम से बंद कर दी गई। ओमेगा नॉट की वैल्यू रखी 1 बाय √LC. Ignore the resistance of the circuit. Then हमें कुछ चीजें निकालनी है, चलिए कोशिश करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या पता है कि यहाँ पे एक मैग्नेटिक एक इंडक्टर है और यहाँ पे एक अनचार्ज कैपेसिटर मैंने लगा रखा है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे माइनस ऑफ क्यू बाय सी की वैल्यू होनी चाहिए v di by dt, कैसे समझ में आया। मुझे ये भी पता है इनिशियली करंट i नॉट फ्लो हो रहा था और बाद में जीरो हो गया, तो ये किसके बराबर है, फ्लक्स के बराबर है, which is given to us as phi. तो क्या मैं लिख सकता हूं कि i नॉट की वैल्यू मुझे पता है phi by l है, करेक्ट। अब यहां तक अगर मुझे समझ में आ गया है तो अब मैं क्या करूंगा आगे, मैं कहूंगा कि i की वैल्यू क्या होती है, dq by dt, करेक्ट। सो कैन आई राइट डाउन दिस एज dq अपॉन dt, ठीक है, इंटू वी डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर इंटू वी प्लस ऑफ क्यू बाय सी इज इक्वल टू जीरो। और इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं कहूंगा क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट साइन ऑफ ओमेगा नॉट इंटू टी, करेक्ट। अगर यहां तक आपको समझ में आ गया है तो क्या मैं यहां से करंट भी लिख सकता हूं, विच इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ओमेगा नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी। और क्योंकि यहां से आई नॉट की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है फाइव बाय एल, सो कैन आई राइट डाउन दैट करंट इज इक्वल टू phi by L into sine of omega naught into t. अच्छा यहाँ पे cos आएगा, क्यों आएगा cos, क्योंकि differentiate किया था हमने, ठीक है ना, तो ये हो गया cos। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, करंट की वैल्यू आ गई। चलिए पहला ऑप्शन तो आपका एकदम सही हो गया। सेकंड, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इन द कैपेसिटर इज, अब चार्ज की बात करी जा रही है तो चार्ज क्या है भाई, q naught into sine of omega naught t है कि नहीं, तो q naught की वैल्यू क्या है, अरे यार अभी तो देखा हमने, क्या देखा, q naught into omega is equal to phi by L, यानी Q नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, phi by omega L, ऊपर नीचे omega omega कर देते हैं हम, तो phi C by क्या लिखेंगे भाई यहाँ पे, phi C, करेक्ट। और क्या आएगा भाई, तो Q नॉट की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास कितनी हो जाएगी भाई, omega omega ऊपर नीचे कर, अच्छा एक omega भी तो आएगा यहाँ पे, ओके तो यहाँ पे मेरे पास जो बनेगा वो बनेगा C into omega नॉट into phi into sin of omega not l. अब क्वेश्चन के अंदर 2 दे रखा है तो गलत हो जाएगा। इनिशियल करंट इन द सर्किट इज इनफाइनाइट, इनिशियल करंट इनफाइनाइट होगा क्या, सॉल्व कर देख लेते हैं। जब t इक्वल टू 0 रखेंगे तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में क्या वैल्यू निकल के आ रही है, जब t इक्वल टू 0 रखते हैं तो इसके अंदर phi by l निकल के आ रहा है which is the peak current और यह एक फाइनाइट वैल्यू है, therefore this option is also wrong. इनिशियल चार्ज ऑन द कैपेसिटर 0 होगा क्योंकि अनचार्ज कैपेसिटर है, डायरेक्टली हम मना कर सकते हैं, hence the correct answer is option A. चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। Consider the configuration of a stationary water tank of cross-section area A naught and a small bucket shown in the figure. हमसे क्या बोला गया? What should be the speed V of the bucket so that the water leaking out of a hole of cross-sectional area A from the water tank does not fall outside the bucket? हमें values दे दी गई small h, capital H, G, A and A naught की। सबसे पहली चीज हमें क्या पता है? क्या ये basically range कहलाती है?
और मुझे पता है यहां से जो भी वेलोसिटी होगी पानी की वो होगी अंडर रूट ऑफ 2g इनटू पानी की हाइट, राइट। सो ये होगी अंडर रूट ऑफ 2gh, करेक्ट। और ये जो हाइट है दिस इज गिवन बाय कैपिटल H। तो क्या मैं कह सकता हूं जो टाइम इसको नीचे गिरने में लग रहा होगा वो होगा अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स कैपिटल H बाई g। और अगर इस टाइम को मैं वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा रेंज यानी x की वैल्यू बेसिकली, करेक्ट। ये x की वैल्यू आ गई, क्या इतना समझ में आया। अगर मैं कह दूं कि dx by dt निकाल लूं मैं, तो मैं कहूंगा कि dx by dt वो वेलोसिटी होगी जिस वेलोसिटी से मुझे कंटेनर को मूव करना पड़ रहा है, करेक्ट। अब मैं कहता हूं कि एक और चीज कर लेते हैं उसके पहले, हम क्या मैं कहूंगा कि यहां पे अगर एरिया ए नॉट है और यहां पे अगर एरिया ए है तो क्या मैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से कह सकता हूं ए इंटू अंडर रूट ऑफ 2gh इज इक्वल टू ए नॉट इंटू डी टाइम्स एच बाई डी टी। और ये नेगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि घट रहा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू कैपिटल ए अपॉन ए नॉट इंटू अंडर रूट ऑफ 2gh, बताइए भाई, ठीक है। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, व्हेन आई एम डिफरेंशिएटिंग दिस आई वुड गेट दिस एज माइनस ऑफ, ये यूं कहूं डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू जी, और जी तो खत्म हो जाएगा, टू बाहर आ जाएगा, टू अंडर रूट कैपिटल एच और स्मॉल एच की पावर हाफ है, करेक्ट। सो हाफ तो नीचे आ गया और अंडर रूट एच भी नीचे पहुंच गया, ठीक, इंटू डी एच बाई डी टी, ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूं माइनस ऑफ डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू यहां से सॉल्व करने पे आती है अंडर रूट ऑफ कैपिटल एच कितना है 5 है, ये कितना है 5 है, इंटू डी एच बाई डी टी विच इज ए बाई ए नॉट, ए कितना है, ए है 5 अपॉन 5 नॉट, ए नॉट यानी 500, ठीक है, इंटू क्या करा हमने अंडर रूट ऑफ 2gh यानी 2 इंटू 10 इंटू एच यानी 5, ठीक है ना भाई, क्या इतना समझ में आया। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.1 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे नेगेटिव लगाने का क्या फायदा, अरे नेगेटिव LHS उठ, RHS उठ क्या है, नेगेटिव मतलब x की वैल्यू कम हो रही है, यानी इस वेलोसिटी से मुझे कंटेनर को मूव करना पड़ेगा अगर मैं चाहता हूं पानी सारा का सारा कंटेनर में ही गिरे। तो लुकिंग एट द ऑप्शंस, ए गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, सी सही हो जाएगा एंड डी गलत हो जाएगा, हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। द सर्किट बिलो इज यूज्ड टू हीट वाटर कैप्ट इन अ बकेट, ओके, अज्यूम हीट लॉस ओनली बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, द वेरिएशन इन द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन द बकेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज डिपिक्टेड बाय। अब सबसे पहली चीज मुझे क्या पता है, सबसे पहली चीज मुझे पता है कि अगर मैं इस सर्किट को चालू कर दूंगा तो इसमें एक हीट होगी, हीट जनरेट होगी रेजिस्टर में, दैट वुड बी इक्वल टू आई स्क्वायर आर वन, करेक्ट। अब वो आई स्क्वायर आर वन जो होगी वो हीट किसको मिल रही है, वो मिल रही है बकेट को मिल रही है, करेक्ट। अब वो जब बकेट को मिल रही है उस हीट में से कुछ हीट क्या हो रही है, रेडिएशन के फॉर्म में लूज हो रही है, तो जो हीट मिल रही है वो कितनी है आई स्क्वायर आर वन, जो हीट लूज हो रही है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के हिसाब से रेडिएशन में वो कितनी है 4 सिग्मा ई ए टी क्यूब ब्रैकेट में टी माइनस टी नॉट, चलिए मैं लिख देता हूं उसको। सो क्या मैं कहूंगा जो भी बकेट को मिल रही है वो होगी डी क्यू बाई डी टी एंड दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर वन माइनस 4 सिग्मा ई ए टी क्यूब इंटू टी माइनस ऑफ टी नॉट, बताइए भाई क्या इतना समझ में आया। अगर इतना समझ में आ गया तो हम क्या करने वाले हैं, हमें पता है कि ये डी क्यू बाई डी टी है, करेक्ट। सो क्या मैं कह सकता हूं कि भाई यहां पे जो चीजें हैं हमारे पास वो क्या है, आई स्क्वायर आर कॉन्स्टेंट चलेगा भी, यहां पे ये टी वेरिएबल है, ये टी वेरिएबल है। अब इसको मैं डी क्यू बाई डी टी को क्या लिख सकता हूं, देखो भाई Q को मैं लिख सकता हूं एम एस डेल्टा टी, या फिर डी क्यू बाय डी टी को लिख सकता हूं मैं एम एस डी टी अपॉन डी टी, करेक्ट। तो इसको मैंने ऐसे लिखा, मैंने कहा एम एस डी टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर वन माइनस 4 सिग्मा ई ए टी क्यूब टी माइनस ऑफ टी नॉट, बताइए भाई यहां तक समझ में आया। अगर यहां तक समझ में आ गया तो नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर, और हम लिखते हैं कि भाई यहां पे जो बचेगा ना वो बचेगा dt अपॉन dt इज इक्वल टू c1 माइनस ऑफ c2 इनटू t, बाकी सब चीजें कांस्टेंट है यहां पे। अगर सब चीजें कांस्टेंट है तो क्या मैं लिख सकता हूं dt अपॉन c1 माइनस ऑफ c2t इज इक्वल टू dt, खत्म, इंटीग्रेटिंग इट, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे भाई हम, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, t1 था शुरुआत में टेम्परेचर और बाद में हो गया t2 सपोज, तो क्या मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ 1 बाय सी टू एलन ऑफ
c1 minus of c2 into t2 upon c1 minus of c2 into t1 is equal to t. ठीक है भाई, अब इसके लिए जब हम बात करते हैं तो हम क्या चाहिए, हमें इसको ऐसा करते हैं जीरो से t तक लेना है, ठीक है ना। तो क्या इसको अगर हम सॉल्व करें तो इस माइनस ऑफ वन बाय सी टू को मैं यहां पे ले आऊं माइनस ऑफ सी टू इंटू टी, ठीक। अब इसके अंदर e की पावर चढ़ाते हैं हम लोग, तो क्या मैं लिखूंगा c1 माइनस c2 t1 इंटू e टू द पावर माइनस ऑफ c2 इंटू t इज इक्वल टू c2 इंटू कैपिटल t। देख लीजिए भाई, अब इसके लिए मैं सॉल्व करूं तो देखो t इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या हो रहा है, एक कांस्टेंट वैल्यू पे जा रही है, t1 पे जा रही है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से ये ग्राफ तो हो नहीं सकता, ये ग्राफ हो नहीं सकता, लेकिन ये वाली वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को अप्रोच कर रही है। टेम्परेचर है कितना, ये टेम्परेचर कुछ वैल्यू टी1 जो कि इनिशियली है ना। तो हेंस लुकिंग एट द ऑप्शंस कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। A bubble of radius r in water of density rho is expanding uniformly at a speed v. Given that water is incompressible, the kinetic energy of the water being pushed is. चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। तो हमें क्या बोला गया कि एक रेडियस r का बबल है, ठीक है। डेंसिटी है रो, इज एक्सपैंडिंग यूनिफॉर्मली एट अ स्पीड v, ठीक है। और मान लेते हैं कुछ देर बाद इसका जो रेडियस हो गया वो सपोज कुछ भी मान लो, स्मॉल आर मान लो या एक्स मान लो, अपन स्मॉल आर मान लेते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं इस समय पे भी इसकी कोई वेलोसिटी होगी विच इज वी इनटू आर, अभी कुछ है जो कि गिवन है क्वेश्चन में v। सो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कैन आई से ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू, जहां पे एरिया है 4π r square into v is equal to 4π r square into vr implies vr is equal to कितना हो जाएगा भाई, r square upon small r square into v square। अब मैं जानना चाहता हूं यहां पे kinetic energy of the water being pushed, तो सबसे अगला काम मैं क्या करने वाला हूं यहां पे, मैं कहूंगा let us write down कि भाई छोटे से element ये जो r distance पे है उसकी kinetic energy कितनी है। मैं कहूंगा ये होगी हाफ ऑफ डीएम इंटू वी ऑफ आर का स्क्वायर, ठीक है। डीएम कितना है 4π इंटू आर स्क्वायर इंटू डी आर, ये तो वॉल्यूम हो गया और इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मास हो जाएगा, इंटू वी आर का स्क्वायर। वी आर का स्क्वायर क्या हो सकता है भाई, ये होगा आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू इंटू क्या लिखूं बताएं, इंटू वी स्क्वायर, करेक्ट। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करूं तो क्या मेरे पास वैल्यूज जो हैं वो आ जाएंगी 2 rho π कैपिटल आर स्क्वायर वी स्क्वायर डी आर बाय आर स्क्वायर, ये स्क्वायर है बच्चों, है ना। यहां पे आएगा मेरे पास, यहां पे भी 4 और यहां पर भी 4, ठीक है। ये है मेरे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी, और ये कहां से कहां तक कर रहा हूं मैं, इसको मैं कर रहा हूं कैपिटल आर से इन्फिनिटी तक। तो ऑन सॉल्विंग 2 rho π r^4 v^4 वन बाय आर स्क्वायर का कितना होता है भाई, ये होता है माइनस ऑफ 1 r लिमिट्स r से इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 rho π r क्यूब इंटू v टू द पावर 4, v टू द पावर 4 नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे v आएगा, यहाँ पे v आएगा, यहाँ पे v स्क्वायर आएगा, ओके फाइन, ठीक है भाई। क्या सबको इतना एकदम क्लियर हुआ, कुछ मिस तो निकल दिया हमने, देख लो भाई कुछ मिस तो नहीं कर दिया, बिल्कुल। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे शायद ये कुछ एक्स्ट्रा लिखा हुआ आ गया हमारे पास, तो हम इसको हटा दे, सही कर देते इसको क्वेश्चन को। So, हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट वुड बी ऑप्शन बी, ओके। चलिए आई होप यहां तक सबको समझ में आया, कोई भी दिक्कत नहीं आई है और एकदम क्लियर है, यहां तक किसी भी चीज में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो हम अपना लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, थैंक यू।